ग्वालियर से ये बड़ी खबर है। इमरती देवी सबसे चर्चित चेहरा रही हैं, उनका बयान आया है चुनाव में हार के बाद। इमरती देवी का बयान, बीजेपी के वोट डबल मैंने किए, मेरी जीत हुई हार नहीं, हार की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। इमरती देवी ने ये कहा कि कुछ गलतियां मेरी भी रही होंगी जिसके चलते हारे, मैंने कभी नहीं कहा हाथ उठाओ कसम खाओ, मेरे लिए नरोत्तम और सिंधिया ने बहुत काम किया, पार्टी दोबारा टिकट देगी तो लड़ूंगी और जीतूंगी भी। और हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने बातचीत की है इमरती देवी से, सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव थे, लेकिन ऐसे में सबकी नज़र ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट से थी, क्योंकि इमरती देवी लगातार चर्चाओं में रहती थी, लेकिन इस बार हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्या मानती हैं वो हार के पीछे आप कारण, क्या लगता है? नहीं, वो क्या था कि कांग्रेस की सीट थी, और फिर भी आज तक 30,000 से आगे कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक ले ही नहीं जा पाया, लेकिन अपन ने डबल कर दिए। मेरी तो जीत हुई, मेरी हार कहाँ हुई? मैंने पूरा का पूरा वोट बदल दिया भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ अगर 4 वोट नहीं मिलते थे ना, वहाँ 400 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी को मैंने पूरा वोट कन्वर्ट किया है कांग्रेस से। कांग्रेस की सीट थी चाहे लोकसभा में, आप देख लो कितने सालों से तो कांग्रेस जीतती है। मैं भी 3 बार विधायक बनी हूँ कांग्रेस से, लेकिन अब कन्वर्ट करना इतने जल्दी से जल्दी बहुत, और कुछ थोड़ी बहुत हमारी भी गलतियाँ होंगी क्षेत्र में उसके वजह से, लेकिन मेरे कार्यकर्ता नेता सबने मेरा बहुत जोर से साथ दिया, पूरे दम से लड़ाई लड़ी। मैं खुद अपने आप पे हार का वो लेती हूँ कि मैं अपने आप में खुद ही हारी हूँ, मेरे में कुछ गलतियाँ होंगी। इसलिए क्या बीजेपी का चुनाव टिकट चुनाव चिन्ह पर थे हमारे दिक्कत का सामना, अगर कांग्रेस होती तो जीत और बम्पर होती, बीजेपी के टिकट पर जाना बहुत जल्दबाजी रहा, कम समय था? नहीं, वो कम समय भी था, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सहयोग किया मेरे नेताओं ने, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, चाहे ज्योतिरा सिंधिया हों, उनने मेरी पूरी तरीके से मदद करी है, पूरी तरीके से। मैं पूरा विश्वास है, दुनिया कुछ भी कह, लेकिन मुझे विश्वास है कि इन लोगों ने मेरे लिए जान लगा। आगे का प्लान क्या है, क्योंकि अब फिर चुनाव है 2023, आगे का प्लान क्या, किस तरह से जनता के बीच में रहेगी? प्लान जैसे चुनाव अगर टिकट मुझे फिर देगी भारतीय जनता पार्टी, तो मैं चुनाव लड़ूंगी और पूरी दमदारी से चुनाव लड़ूंगी, और जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ूंगी, जनता मुझे चुनाव जिताएगी। मैंने 35 सबे बढ़ाए, 2 साल में मैं 10-20 और बढ़ा लूंगी, चुनाव जीत जाऊंगी। वो कितने, अगर 2,500 वोट और मिल जाते मैं चुनाव जीत गई थी। आप देख सकते हैं इमरती देवी जी, और जैसा कि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी इसलिए हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगली बार के लिए फिर तैयार है और फिर उनकी बड़ी जीत होगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर कोरी, IBC 24 ग्वालियर। तो अपनी हार के बाद में उन्होंने ये कहा कि हार की पूरी जिम्मेदारी मेरी, लेकिन हारी नहीं हूँ, वोट बीजेपी का मैंने डबल किया है, और बीजेपी का जो वोट परसेंटेज या वोट की संख्या होती थी उसको दोगुना करना ये जो लक्ष्य था, इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब अपने आप को मानते हैं।